हे हेलो व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल डार्क लू गेमर्स। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2। हमारा एपिसोड नंबर 12 होगा। और पिछले वाले एपिसोड में ना हमने किया था आइस में अटैक, मतलब हमें टेररिस्ट को मारना था, एक ग्रुप को पकड़ के धोना था। हमने वो कर तो दिया, पर लास्ट में आइस स्टॉर्म आ गए भाई, जिसकी वजह से हम लुढ़क गए। तो अब एक उसका आगे का मिशन जिसका नाम है सेकेंड सन, मतलब कि दोबारा से एक जिंदगी मिली हमें और हम वो जी रहे हैं। हम फिर से मिशन पे जा चुके हैं और भाई ये पूरी नॉलेज है मिशन की जो अंडरग्राउंड बना पड़ा है। जैसे कि रेसिडेंट इविल में क्या था, हमने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में देखा था, आपने देखे होंगे। रेसिडेंट इविल तो सबकी पसंदीदा है, मेरी तो पर्सनल फेवरेट है पूरी सीरीज। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो पूरा अंडरग्राउंड दिखा दिया, पूरी नॉलेज हमें देने की शुरू कर रहे हैं। ये मेरी सबसे फैक्ट्री है जहाँ टेररिस्ट घुस चुके हैं। आप सुनिए, पहले आप सुन लीजिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड सन डे 5 1857-22-23, बट सेकंड तो बढ़ते जाएंगे 25-26-27 हो गया। और हम कहां पे तो बंद थे, मतलब भाई साहब ये पिछला मिशन जो खेल रहा था इसका सपना था। मतलब पिछले मिशन में कुत्तों ने कहाँ कहाँ पे काटा भाई, और ये सपना देख रहा था, इसकी खोपड़ी उड़ गई। अब मैं दूंगा तुम्हें कवर बेटा, मैं देता हूँ कवर, दिखाता हूँ ना बाप का दम। अच्छा दो एमो, अरे मरते मरते अच्छी गन तो देते जाता मेरे दोस्त। ये क्या था बे 30 भाई साहब, 0 एमओ, सिर्फ 30 एमओ, एक ही मैगजीन है अपने पास, और एक मैगजीन में धीरे धीरे करके इनकी खोपड़ी फोड़नी पड़ेगी। लो एमओ, ये अरे भगो मत यार, एक ही जगह पे दो लोग लुढ़क गए हमारे भाई साहब। लो एमओ, अब क्या करूँ, यहाँ पे अटके रहूँ? आवाज देखो कितनी बढ़िया आ रही है। ये क्या हो गया, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं स्पेस में हूँ? ये जो खड़ी है सैटेलाइट है, ओ भाई सच्ची में स्पेस में हूँ रे, हाथ देखो भाई, और इसका सपना है। अरे रियलिटी में जीता ही कहाँ है, आधी जिंदगी सपने ही देखे, कुत्तों ने खाता कहाँ कहाँ, गोलियां पड़ी, किस किस घर में घुसने पड़े। तुम्हें शर्म है कुछ? और ये सपना देख रहा था, और ये टूटता जा रहा, आगे से टूट रहा है। वे किसी की जेब को लेके जाना हो तो बोल दो, लेके आऊंगा मैं यहाँ से टूटते तारे। वैसे तो एक ही टूट रहा है, दो तीन हिस्से कर लेंगे उसके बाटे। कुछ भी सैटेलाइट ISS में हमें IS, ये बड़ा होता है ना, हाँ टूटता तारा तो बड़ा होता है, पर ये टूटता तारा नहीं लग रहा। या तो ये रॉकेट है, नहीं तो या तो ये बम है, या तो इसे ठोकेगा, नहीं तो अपने को ठोकेगा। कुछ तो होगा, तो होगा कुछ तो होगा, इतना सादा एंड तो होगा नहीं इस गेम का। ओ, पता ही था, पर ये नीचे क्यों फूटा? ओह ओ, तो ऐसा है भाई साहब इस गेम में, ये नीचे गए फिर से। अरे मुझे पता ही था ये सपना देखता है भाई, मुझे पता ही था ये सपना देखेगा, सपना देखेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आवाज सुनो आवाज। वो भी हेलीकॉप्टर कैप्टन, इसे भी गोली लगेगी क्या? तू भी मरेगा क्या दोस्त? नहीं तू नहीं मरा। अभी ये सपना देख रहा है या रियलिटी में जी रहा है मुझे ये नहीं पता। डिफेंड द क्रैश साइट, ऑब्जेक्ट कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, उतरना। ओह भाई अबे क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है, गिरने का गिरने अच्छा तो गिर ले। तो उस बम से पूरी तबाही हुई है दोस्तों, मतलब पूरा USA उड़ चुका है। इसीलिए कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, ओवर एक्टिंग की दुकान। नहीं भाई साहब पूरी स्क्रीन हिला डाली सच्ची में यार, गेम बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बात कुछ भी कह लो गेम बहुत बढ़िया है, स्क्रीन तो पूरी हिली जाती है। बाहर अंदर निकले, आग लगी पड़ी है, मतलब हम जो पिछले के सारे मिशन खेल रहे थे वो सब कुछ सपना था, और बम के इफेक्ट अभी भी हो रहे हैं USA पे, अभी भी गिरे जा रहे हैं। मतलब जो हम पिछले खेल रहे थे ना वो सारे सपने थे, अब ये रियलिटी शुरू हो चुकी है। सारे मिशन सपने थे, सारे टोटल ऑल ऑल मिशंस, और ये 12th मिशन ये रियलिटी पे बेस है, हमें इनको फॉलो करना है। कैप्टन ने SGT का मतलब नहीं पता यार, पर फ्लोरी है ये,
कैप्टन फ्लोरीन को फॉलो करना है। बहुत सारे मिशन में तो हमने इनको ही फॉलो करा है। अच्छे कैप्टन है पर कभी कभी इनको गोली लगने की वजह से ये लुढ़क जाते तो हमें कैप्टनशिप करनी पड़ती है। मर गया होगा कैप्टन वो। अरे तेजस ज्यादा मुझे अच्छा समझता है यार, ये गन उठा ली मैंने तो, मैंने कहा था ना मर गया होगा। और इसमें बुलेट्स नहीं है, इसमें बुलेट्स नहीं है, यहाँ पे देखा था मेरे बुलेट्स कहा, ये रहा, फील कर लेता हूँ, फील हो जा मेरे भाई। ओ भाई 1260 बुलेट्स, वाह बहुत बढ़िया बुलेट है भाई, बहुत बड़ी मैगजीन है इसकी तो। नहीं मैगजीन में 30 हो गए पर बहुत ले ली इसने, कुछ अंदर था। और क्लाइमेट देखो भाई, बहुत सारी बारिश, बिजली कड़कना, सारी की सारी वो बम का इफेक्ट है भाई साहब। बहुत बुरी किस्मत हो गई है यूएसए की बम करने की वजह से। और इसे पीछे जाके बैकअप लाने के लिए कहा है, मेरे हिसाब से बैकअप कोई बचा होगा तो बैकअप आएगी ना यार, कोई बचा ही नहीं होगा मेरे हिसाब से। घर के अंदर घुसे जा रहे हैं, यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई है नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक गन है। उठती है क्या, उठती है क्या, उठती है क्या, नहीं उठती, जानते आगे निकलेंगे। ये कौन है भाई, नेपोलियन कौन है भाई तू, इसका थोपड़ा में एक आँख में गोली भाई, आँख में गोली, खोल बेटा खोल, उड़ उड़ छल्ली छल्ली कर दिया बेचारे को, छल्ली छल्ली कर दिया। ओ भाई दरवाजा फोड़ दिया, अरे बाबा। बेटा कैप्टन बाजू हट जा, मैं ग्रेनेड डाल रहा हूँ, बाद में मेरे ऊपर आके फटेगा तो मुझे बोलना मत। ये क्या चीज थी, ओ भाई दरवाजा फोड़ दिया, मुझे समझ नहीं यार ग्रेनेड का डेंजर का निशान तो कोई आया नहीं, सीधे ही ग्रेनेड आके फट गया। बस बस मिशे, पहले तुम लड़ो बाद में हम चलते आगे, क्योंकि मुझे जल्दी शहीद नहीं है, मुझे और मिशन लड़ने हैं, इसीलिए मैं इसे मारूंगा। और ये मर गया। मुझे आगे जाना चाहिए या फिर नहीं, नेट्रो विजन है क्या रात में देखने के लिए, नहीं इसमें नहीं है वो। उड़ने, अरे कहाँ पे आपसे पंगा लोगे क्या बेटा, अरे ये यहाँ पे घुस के क्या पड़ते हैं भाई, मुझे ये समझ में आ रहा सब कुछ तबाह हो गया, आप क्या चाहिए तुम्हें, टेररिस्ट ऐसी होती भाई, आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, आतंकवादी की प्रेम कहानी होती ही नहीं, सुन रहा है तू बच्चे, आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। ऑफिस में घुसे पड़े देख लो, अंधाधुंध फायर भाई, मुझे लगता है मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ग्रेनेड आ गया यहाँ पे, कोई बात नहीं मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले खेल ले, समझ लो ये ऑफिस में हो रहा है। फिर से ग्रेनेड यार, चल रहा है यार ये, अब नहीं भाई अब नहीं, अब बहुत हो चुका, अब इन्हें मारना ही पड़ेगा, अब इन्हें मारना ही पड़ेगा। कंटेन देख लो, एक ऑफिस में है, ऑफिस में वॉर चल रही है, घुसे पड़े, इनकी कोई प्रेम कहानी नहीं होती ना, फिर पता चलेगा सालों को इंडियन आर्मी क्या होती है, मतलब यूएसए आर्मी क्या होती है। फेंको, तुम्हारे बाप में दम होगा तो ग्रेनेड फेंको सालो, अरे तू हट ना बाजू, क्या गुंडा बनेगा रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू, अब फेंक, फेंकना है ना ग्रेनेड, अब फेंक तेरी भैंस की, अब फेंक साले, बहुत शौक चढ़ता है ना ग्रेनेड फेंकने का, अब फेंको, भगा भगा के कुत्ते की तरह भगा भगा के दौड़ दौड़ के मारेंगे, मार साले का खून, ये तुमको अब फेंको, ज्यादा उछल रहा है क्या बेटा, छुर्री इसके पिछवाड़े में, छुर्री चल गई, अब आगे चलते हैं। 1123 बुलेट्स अब भी बची पड़ी है, मतलब कि बहुत सारी, ओ हो हो हो, संभल के संभल के, कुत्तों की तरह भगा मत करो कहीं पे भी, कुत्ते नहीं हो तुम, इंसान हो, ये मैंने कहा था लुढ़क जाएगा बेटा, क्यों नहीं सुनता ये को, आगे नहीं मैं लुढ़क जाऊंगा भाई, ये तो साली चट्टान के बने पड़े, ये तो मरते नहीं,
तो भाई मेरे पास वापिस मत आ जाना सिर्फ, बस यही बात है, मेरे पास वापिस मत आ जाना। अंधाधुंधी ग्रेनेड 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 ग्रेनेड, ओ भाई भाई शॉटगन लेके सीधे मत पे, ओहो हो पीछे पीछे, कवर 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 कवर, कहा गया अरे कवर तो दो भाई, कवर देना भी कोई बात होती है। बात तो सही है। इंसानियत की नाम चीज नहीं है इंसानियत, क्या बोल रहा हूँ यार, इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं। अबे हट ना जीजस की औलाद, चल जल्दी चल चल बेटा चल। पंछी उड़े आसमान में, उड़ता फिरू मस्त गगन में तेरी माँ, ये गया चूड़िया पहन के मारो। अब गेम से हो गया यहाँ पे, अब आगे कहाँ पे बढ़ना है कैप्टन, वो कितना बढ़िया लग रहा है देखो, ओ भाई मस्त लग रहा है भाई यार, पानी कितना यार प्योर पानी आ रहा है भाई, बारिश का पानी मतलब बारिश का पानी होता है। कूद जा ऊपर से नीचे आगे, क्या सारी तरफ आग लगी पड़ी और बिजली तो ऐसी कड़क रही है ना। और ये क्या है भाई, ये मून रेड हो चुका है क्या मेरी सबसे, हाँ रेड हो चुका है, मून के भी लग चुके लंबे वाले यल, समझ रहे हो। बमी इतना तेज फोड़ा था भाई, पूरा यूएसए उड़ा डाला। अरे क्या यार, क्या गुंडा बनेगा रे, क्या गुंडा बनोगे रे तुम लोग। आगे चल के ये पेंजर है ना, ये नहीं फूटा भाई साहब, इसमें बैठ सकता हूँ क्या मैं? नहीं। इसमें बैठता तो ये गेम किस काम की होती ना, बराबर ही गेम बढ़िया भाई, गेम की कितने भी बेइज्जती कर लो पर गेम अपनी जगह पे बहुत बढ़िया है। अरे मैंने बहुत जगह पे देखे ये पिंक पिंक क्या निकल रहा है इसमें से भाई, ये क्या स्मोक ग्रेनेड है क्या, मुझे पक्का तो नहीं पता पर एक स्मोक ग्रेनेड हो गए बेटा। अबे कुछ हुआ तो नहीं उससे, क्यों फेंक रहा है बे। चल बेटा नॉक नॉक, तेरा बाप आया, उठ जा अपनी राह से, तू उठ जा तलाश से, करने पर आत्मा की जरूरत आएगा आएगा। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, अपना टाइम आएगा बेटा। अरे यार फूट जाना भाई, कितनी देर लगा था ये फूटने में। कवर लेने की जरूरत है बेटा, तेरा बाप आया, कमांडो 3 देख के आया हूँ मैं आज, नॉक नॉक तेरा बाप आया, लेट लेट के गोलियां चला रहा है भोसड़ी का, ये गया। जा कैप्टन डर मत, तेरा बाप सामने बैठा है, बाप से पंगे नहीं लेंगे बेटा, चलो आगे बढ़ो। ये भाई साहब कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग इंडिया में कहाँ देखने को मिलती है भाई, ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए यार मेरे पास। और इधर नीचे स्विमिंग पूल, और यहाँ पे लगाऊंगा मैं मेरी बुगाटी बोलाइड जो मेरी ड्रीम कार है, जो कि इसकी कीमत है 35 करोड़ 52,48,000.52 इसकी पूरी कीमत है, मैं रट के आया हूँ। और ये देखो स्मोक ग्रेनेड, जला जला जला, इसके चीतड़े हो चुके हैं, ब्लड देखो भाई, खून मतलब पूरी तरह से, बढ़िया गेम है ये। और अब हम आगे आ चुके हैं, तू चल रहा है या मैं चलूँ मेरे दोस्त, यहाँ से कूदूंगा मैं, नहीं इसे कूदना ही नहीं है, कमांडो किसने बनाया क्या पता इसे। चलो फॉलो कैप्टन को, फॉलो करो आगे बढ़ो, बाप आ चुका है, ये क्या चीज है बे, गोली मारू तुझे मैं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अरे सील ऑफ द प्रेसिडेंट, अरे प्रेसिडेंट रहता होगा मेरी सबसे यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कैमरा यहाँ पे सब खत्म हो गया, क्या देख रहा है तू मुझे, हट हट। ओ भाई 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 भाई, प्रेसिडेंट के कमरे में भी भाई साहब फुल यल लगा चुके हैं ये मैं, ओ अरे हाँ अब समझ में आया, ये टनल है जो प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट के जो भवन होता है रूम, वहां पे जाके मिलेगी। अच्छा हमको सिखा रिया है। हाँ ये टनल थी, तो आगे गेम इधर से कंटिन्यू होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं ऐसे ही अगले एकदम कड़क और फाड़ वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो करना भूलिए ही मत है। नहीं नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।